एक बार की बात है, एक लड़का था जो देख नहीं सकता था। ये लड़का भीख मांगकर अपना जीवन गुजारता था। एक दिन ये अंधा लड़का हर रोज की तरह एक बड़ी सी बिल्डिंग के आगे बैठकर भीख मांग रहा था। तभी उस समय वहाँ से एक अनमोल नाम का लड़का गुजरता है और इस अंधे लड़के को भीख मांगता हुआ देखता है। अनमोल उसे बिल्डिंग के एक ऑफिस में काम करता है। जब अनमोल ने देखा कि ये लड़का भीख मांग रहा है तो वो उसकी मदद करने के लिए उसके पास पहुंचता है। अनमोल वहां जाकर देखता है कि इस लड़के के पास एक डिब्बा है और उस डिब्बे में थोड़े से सिक्के भी हैं। कुछ लोग आते हैं, इस लड़के को पैसे देते हैं और कुछ लोग उसे बस देखकर ही चले जाते हैं। अनमोल ने ये भी देखा कि इस लड़के के पीछे एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था कि मैं एक अंधा लड़का हूँ, मेरी मदद कीजिए। ये सब देखकर अनमोल अब ये सोचने लगा कि इस दुनिया में भी बड़े कमाल के लोग हैं, जिसे मदद की ज़रूरत है उसे कोई नहीं करता है। उस बोर्ड पर जो लिखा था उसे वो मिटा देता है और उसके जगह पर और कुछ लिख देता है। अब अनमोल कुछ पैसे उस डिब्बे में रखता है और ऑफिस की ओर बढ़ जाता है। फिर अनमोल ऑफिस में पहुंचता है और हर रोज की तरह अपना काम करता है। शाम को जब वो ऑफिस से अपने घर जाने के लिए निकलता है तभी उसे वो अंधा लड़का का याद आता है। वो ये सोचता है कि मैं एक बार घर जाने से पहले उस लड़के को देख लूँ, मेरे लिखने की वजह से उसके जीवन में कोई बदलाव आया कि नहीं। वो अब उसे देखने के लिए पास जाता है। वो अंधा लड़का कहता है कि भैया, मैंने आपको आपकी आने की ही आहट से पहचान लिया। आप वही है ना जो सुबह में आए थे और मेरे इस बोर्ड पर कुछ लिख के गए थे। मैं आपसे कुछ ज़्यादा नहीं पूछना चाहता हूँ। मैं सिर्फ इतना ही पूछना चाहता हूँ कि आपने में ऐसा क्या लिखा था मेरे इस बोर्ड पर कि जो भी व्यक्ति यहाँ से गुजरता है मुझे वो कुछ ना कुछ देकर ही जाता है। तब अनमोल ने कहा कि मैंने जो तुम्हारे बोर्ड पर लिखा हुआ था उसे मैंने मिटा दिया। तुम्हारे बोर्ड पर लिखा हुआ था कि मैं एक अंधा लड़का हूँ, मेरी मदद कीजिए। मैंने उसको मिटा दिया और ये लिख दिया कि आज का दिन बहुत खूबसूरत है लेकिन मैं इसको देख नहीं सकता हूँ। हम ये बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि पहले जो लिखा था और बाद में अनमोल ने जो लिखा उसमें काफ़ी अंतर था। अनमोल ने कुछ भी लिखा था वो एक नई सोच थी और ये लाइन पढ़ने वालों में भी पॉजिटिव फैला रही थी, इसलिए लोग इस लड़के को कुछ ना कुछ ज़रूर देकर ही जा रहे थे। अगर हम सारे लोग सोचने का तरीका बदल देते हैं तो हमारी ज़िंदगी भी बदल जाती है।